तो बेसन पैक वाली थी तो उसमें कुछ नहीं निकला है और मैंने इसको छान दिया। अब थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालनी है तो थोड़ी सी डालूंगी हल्दी इसमें। तो मैं इसमें डाली 2 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच डाली नमक। और तो ज़रा सी डाली हींग और नींबू डाल दूँ। अभी वो दाने पड़ गए ना उसमें तो इसको उनको उठाएंगे हम। तो ये नींबू का रस डालें। और 1 कच्ची डाली हूँ तेल पाम ऑयल। एक कप डालते हैं पानी। अब इसको अच्छे से घोल के और अच्छे से मिला के इसको तरसने मिलाऊंगी इसको मैं। तो मैंने इसमें बेसन मिला रखा है और ये बेस्ट मैंने अच्छे से मिला रखा है, पीस दिया है। तो मैं इसको डालती हूँ और इसको अच्छे से मिलाना है। तो चलिए हमने इसको अच्छे से मिला दिया है और इसको अब 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो इसको ढक के रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। ये देखते हैं ये 10 मिनट हो गए इसको। अब इसको हाथ से घोलती हूँ मैं और पहले लगाऊंगी बर्तन पे तेल। थोड़ा सा इसको हाथ से घोलती हूँ तो अच्छे से हो जाएगा, एकदम से मुलायम। तो एकदम हो गया। और इसको तो मैंने इस पर तेल लगा रखा है, इसमें डालती हूँ इसको। तो इसको रखती हूँ ओवन में। ये ओवन में बनेगा, जितनी देर ये बनेगा उतनी देर में और तैयारी करती हूँ। तो इसको रखती हूँ बनाने के लिए। कितने मिनट? तो इसको 3 मिनट के लिए करना है। अभी 3 मिनट में तैयार हो जाएगा, इतनी देर में तैयारी करके आ जाओ। चलिए तेल गर्म हो गया और मैं इसमें डाल रही हूँ राई, सरसों के दाने और इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता भी पड़ता है, पर कड़ी पत्ता है नहीं तो दो मैं मिर्ची डाल दूँ। तो थोड़ा सा डाल दी पानी। थोड़ा इससे ढोकले पानी में थोड़ा सा नरम हो जाएंगे, इसलिए इसको ये मसाला बना रही हूँ। अब करते हैं बाकी की तैयारी, इसके पीसते हैं थोड़ी सी चटनी। तो बन गए हमारे ढोकले और एकदम से अच्छे बने हैं और नरम हो रहे हैं, बिल्कुल नरम बने हैं, जालीदार अच्छे दिख रहे हैं। देखो तो इसमें डालते हैं ये मसाला, डालते थोड़ा कि वैसे हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे।
तो अब मैं बनाती हूँ चटनी। तो ये मेरे ढोकले तैयार हो गए हैं और अब इनको देती हूँ बच्चों को। तो मैं बच्चों को देने जा रही हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।